अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जनाब DHA गुजरांवाला की मैं आपको एक्सटेंशन दिखाऊंगा कि एक्सटेंशन कहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है। रोड की बात कर रहा हूँ, मेन बुलेवार्ड की। ये आज से तकरीबन 3-4 माह पहले टेंडर जारी हुआ था 2 किलोमीटर रोड का। ये पहला 1 किलोमीटर बना हुआ था, आगे से 2 किलोमीटर का मज़ीद ये इस तरफ आ जाओ मज़ीद जो है टेंडर दिया गया था 2 किलोमीटर का, और आज उसकी भी कारपेटिंग हो चुकी हुई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और उसके बाद ये है कि DHA गुजरांवाला काम बहुत स्पीडों से जारी है और अपनी कंप्लीशन की तरफ है इंशाल्लाह। तो आए मैं आपको गाड़ी में लेके चलता हूँ, आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी जनाब, ये DHA का ऑफिस देखें, अपनी कंप्लीशंस की तरफ है और कितनी स्पीड से इन लोगों ने काम किया है ये मैंने आपको आज सारा दिखाना है। मेरे ख्याल से हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वो तकरीबन आई थिंक के 2 हफ्ते पहले की थी, तब ये सारी रोड। अब आपने कैमरा इस तरफ रखना है, सारों को दिखाएं। ये देखें जनाब, टोटल कारपेटिंग मेन बुलेवार्ड की एक्सटेंशन की हो चुकी हुई है। सेवरेज का निज़ाम जो आपने लास्ट वीडियोस में देखा था ये नहीं था हुआ हुआ, ये भी आपका तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह DHA अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरने जा रहा है कि दिसंबर के अंदर आपको पोजेशन देने हैं। और उनकी इस बात को आप सीरियस इस तरीके से ले सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये 2 माह के टेन्योर के अंदर अंदर उन लोगों ने ये टोटल रोड आपके लिए, यहाँ से ये 2 किलोमीटर ऐसे जाता है, वहाँ से फिर तकरीबन 1 किलोमीटर ऐसे होगा तो जो सी और जी की तरफ जाएगा, वो उन लोगों ने कंप्लीट कर दिए। ये देखें सारी, ताकि आप लोगों को वहाँ तक रसाई हो सके। ठीक है, ये आपके लिए आज के लिए एक अपडेट थी छोटी सी जो कि हम लोग लेके आए हैं अपने चैनल पे, और आप लोगों को ये दिखाई है कारपेटिंग उनकी कितनी तेज़ी से हुई है और अपनी कंप्लीशन की तरफ जा चुकी हुई है। ये फ्यूचर में आपका इस तरफ जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, आपका CZ3 है, कमर्शियल है, इसके पीछे आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक आ रहा है। ये सारी इसकी, ये देखें ये सारा व्यू आप देखें आज, ये 200 फीट का रोड है। और ये आपके लेफ्ट साइड में फ्यूचर के अंदर जो नेक्स्ट ब्लॉक बैलेट होने जा रहा है वो ये ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक होगा। इसकी जनाब जिस बंदे के पास कनाल की फाइल है ना, तो अगर उस बंदे की इस ब्लॉक के अंदर बैलेट हो जाती है तो यकीन माने उस बंदे के छक्के हैं। ये बहुत सबसे टॉप मेरा फेवरेट ब्लॉक जो है वो ये डी ब्लॉक होने जा रहा है। ये पहले मेरा फेवरेट ब्लॉक L था, और क्योंकि मेन बुलेवार्ड का ब्लॉक है, और नेक्स्ट अब ये मेरा फेवरेट ब्लॉक है जो बैलेट होगा वो डी ब्लॉक है। आज से 10 साल बाद क्या मंज़र होगा यहाँ का, अल्लाह ताला हमें भी देखना तौफीक फरमाए और आप लोगों को भी देखना तौफीक फरमाए कि बहुत ज़बरदस्त लेवल का ये जनाब प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये आज की अपडेट थी आप लोगों के लिए, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक साइट की करेंगे। ठीक है, वो साइट की वीडियो करेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं, और सी और जी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है, एल ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है। तो ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा, तो उस वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ करंट रेट्स भी डिस्कस करूँगा प्लॉट्स के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।